अल्लाह अकबर, हटो हटो। कि ये चार्जर खुद का खुद ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर समर फिर आपके खिदमत में हाजिर अल्लाह के फजल करम से शादो आबाद। आज हम बात करने वाले हैं जिन्नात की एग्जिस्टेंस के बारे में। 2017 में एक ड्रामा आया था नजरे बंद, उसमें जो एक्टर थे उन्होंने मॉर्निंग शो में आके कहा था कि उन्हें ड्रामे के दौरान कुछ अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस हुए थे जिसकी वजह से उन्हें शूटिंग करने में काफी परेशानी पेश आई थी। खैर, इस बात का खुलासा मैं इस वीडियो के एंड में करूंगा, तो मेरे साथ बने रहिएगा। इसके अलावा एक बहुत ही सूफी स्पिरिचुअल शख्सियत बाबा अबू मोहम्मद याया है, वो एक बहुत बड़े राइटर भी हैं और उनकी बहुत सारी किताबें हैं, जैसे कि पिया रंग काला, इतनी महंगी है लेकिन फिर भी जितनी भी वो किताबें लिखते हैं जिन्नात के बारे में वो सारी बिक जाती हैं और उनका कहना है कि उनकी किताबें जिन्नात खरीदते हैं। इसके अलावा आपको ऐसे कई लोग मिलेंगे जो कि बताएंगे कि उनके साथ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हुई हैं या ऐसे अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस हुए हैं। इस पे कई फिल्में बन चुकी हैं, जैसे कि कंज्यूरिंग, एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज, वेरोनिका, और तो और कुछ लोग तो भूतों को ढूंढने गैजेट्स लिए निकल पड़ते। इसके अलावा और एक अमेरिकन यूट्यूबर ने तो ये वीडियो तक यूट्यूब पर रिकॉर्ड करा दी थी कि उसने सुशांत सिंह राजपूत की रूह से बात की है। तो चलिए आइए जानते हैं कि इसके पीछे की साइंस और हकीकत क्या है। सबसे पहले आ जाते हैं उन फैक्ट्स के बारे में जो बिल्कुल ही साफ हैं, जैसे कि 1800 की दिहाई में तीन बहनें हुआ करती थी फॉक्स सिस्टर्स के नाम से। वो काफी मशहूर थी स्पिरिट्स से बात करने, वो लोगों के रिलेटिव जो की डेथ हो जाती है उनसे वो स्पिरिट्स से बात करवाती थी। काफी लोग दूर दूर से उनके पास इसी काम के लिए आया करते थे। वो एक सर्कल में उन लोगों को लेके बैठ जाती थी, सब एक दूसरे के हाथ पकड़ लेते थे और वो स्पिरिट से बातें शुरू करती थी और रूह जवाबी कार्रवाई में कोई खिड़की, दरवाजे या घर की चीजें गिरा दिया करती थी। इस तरह वो दिखाती थी कि वो स्पिरिट से बात करती हैं और वो रूहें उनकी बातों का जवाब देती। इससे उन्होंने काफी पैसा भी बनाया। कुछ वक्त आगे चलते ही इन तीनों बहनों में से एक बहन के शौहर की डेथ हो गई। वो बहन डिप्रेशन में चली गई और फिर उसने पब्लिकली आके कन्फेस किया कि वो ये सारी चीजें लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए करती थी। जितनी भी चीजें वो करती थी कि फर्नीचर का गिर जाना, दरवाजे खिड़कियों का हिलना, ये सब वो खुद ही धागों और तारों की मदद से किया करती थी। इस बात पे उन तीनों बहनों की लड़ाई हो जाती है और तीनों बहनों का राज फाश हो जाता है। इसी तरह इंडिया में भी एक सुशांत सिंह राजपूत का केस बहुत ही वायरल हुआ था, जिसमें एक अमेरिकन यूट्यूबर जिनका नाम स्टीव हफ है, उन्होंने ये दावा किया था कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से बात की है और बाकायदा वो वीडियो उन्होंने यूट्यूब पे भी अपलोड कर दी थी और इस बात की इंडियन मीडिया ने काफी चर्चा की थी और काफी टीवी चैनल्स पे ये दिखाया गया था। लेकिन एक बंदे ने उनका राज फाश कर दिया। उसने बताया कि जो वीडियो क्लिप्स सुशांत सिंह राजपूत के उन्होंने सुनाए थे वो किसी पुराने सुशांत सिंह राजपूत की इंटरव्यू की क्लिप थी, जिसको तोड़ मरोड़ के मैनिपुलेट करके इस तरह पेश किया गया था कि जैसे वो यूट्यूबर सुशांत सिंह राजपूत से बात कर रहा हो और सुशांत सिंह राजपूत उसका जवाब दे रहे। लेकिन इस खबर को कहीं भी किसी मीडिया में दिखाया नहीं गया, क्योंकि सच्चाई और साइंटिफिक फैक्ट दिखाने से कोई व्यूज थोड़ी ना आते। लेकिन अब उन लोगों की बात करते हैं कि जो सब एक साथ दावा करते हैं कि हमारे साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, तो क्या सबके साथ होने वाली चीज भी गलत हो सकती है? जी बिल्कुल, ये भी गलत हो सकती है। इसकी मिसाल एक ऊर्जा बोर्ड से ले लीजिए। ये एक बड़ा सा बोर्ड होता है जिसपे कुछ अल्फाबेट्स और नंबर लिखे होते हैं, इसमें यस और नो का ऑप्शन होता है और लोग इसके इर्द गिर्द कैंडल जला के बैठ जाते हैं और एक प्लैंचेट होता है उसपे हाथ रख लेते हैं और जो कोई भी स्पिरिट या भूत वहां मौजूद होते हैं तो वो जवाब देने के लिए इस ऊर्जा बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं और ये लोग जिस प्लैंचेट पर अपना हाथ रखे होते हैं वो अपने आप मूव करने लगता है। अब चलो किसी ने मजाक के तौर पर प्लैंचेट हिलाया तो वो समझ में भी आता है, लेकिन अगर सभी लोग सीरियस हैं और फिर भी वो प्लैंचेट उनके हाथ से अपने आप ही मूव कर रहा है तो क्या इस बात में कोई सच्चाई हो सकती है? जी हाँ, इसके पीछे एक साइंटिफिक फिनोमेना है जिसे इडियोमोटर इफेक्ट कहते हैं। इडियोमोटर इफेक्ट एक ऐसा साइकोलॉजिकल फिनोमेना है जिसमें आपका ब्रेन आपकी बॉडी को अनकॉन्शियसली मूव करता है आपकी बॉडी को पता हुए बगैर। इन ऊर्जा बोर्ड में भी यही होता है कि ब्रेन आपके हाथ को अनकॉन्शियसली सिग्नल दे रहा होता है उस प्लैंचेट को मूव करने के लिए आपकी बॉडी को पता हुए बगैर। एग्जाम्पल के तौर पर आप घर बैठे भी ये खुद ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक पेंडुलम लेना है, अगर पेंडुलम नहीं है तो किसी भी धागे को एक बटन से या किसी भी भारी चीज से बांध लीजिए। मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं ये एक चार्जर ले लेता हूँ। अब जैसे देखें मैंने अपने हाथ में एक चार्जर ले लिया है, ये अपने वेट की वजह से आगे पीछे मूव कर रहा है। अब आप थोड़ी देर के लिए अपने माइंड में सोचिए कि मैं इसे क्लॉकवाइज मूव करना चाहता हूँ, लेकिन मूव मत करिए। अब थोड़ी बार आप देखें, ये खुद ब खुद ही आप देखेंगे
कि ये चार्जर खुद ब खुद ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब आप सोचिए कि आप इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव करना चाहते हैं, कुछ मत करिए, बस आप सोचिए। अभी तो ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, अभी आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करना शुरू हो गया। तो इस तरह जो है आप घर बैठे भी खुद ही सीडियो मोटर इफेक्ट को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसी तरह जो लोग इस ऊर्जा बोर्ड्स पे यकीन रखते हैं और इस भरोसे से किसी रूह से किसी जिन से बात करते हैं कि वो उन्हें रिस्पॉन्ड करेगा, तो उनका ब्रेन अनकॉन्शियसली उनके माइंड में वो इमेजेस और मेमोरीज क्रिएट करने लग जाता है उस आदमी को लेके जो कि मर चुका है। और फिर जब वो उससे सवाल करते हैं तो आपका ब्रेन उसी इमेजेस और मेमोरीज को रिक्रिएट करके आपको एक जवाब देता है और आपकी बॉडी बिना आपके चाहे अपना हैंड जो है वो यस और नो की तरफ मूव करने लग जाती। इस चीज को एक साइंटिफिक स्टडी से भी एक्सप्लेन किया गया है। नेशनल ज्योग्राफिक पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया था ब्लाइंड फोल्ड के नाम से। What I have here are some blindfolds. Surely blindfolding our participants won't make a difference to the spirit. उसमें जितने भी लोग ओइजा बोर्ड पे बैठे थे उन सबको ब्लाइंडफोल्ड पहना दिया गया था और फिर जो है उनसे स्पिरिट से बात करवाई थी। अब क्योंकि वो देख नहीं पा रहे थे कि यस किधर है नो किधर है, जब वो स्पिरिट से बात कर रहे थे तो उनका माइंड जो उनके हाथ को मूव कर रहा था वो एक ब्लाइंड नजरिए से मूव कर रहा था और बिल्कुल गलत सलत डायरेक्शन में उनका माइंड जो है वो उनके हाथ को और प्लैंचेट को लेके जा रहा था। तो इससे यही साबित होता है कि ये एक इडियोमोटर इफेक्ट है जो आपके अनकॉन्शियस ब्रेन आपकी बॉडी को अनकॉन्शियसली परफॉर्म करवाता है। लेकिन अगर पूरी फैमिली ही एक साथ कहे कि उनके साथ कोई पैरानॉर्मल हादसा हुआ है या कोई ऐसी एक्टिविटी पेश आई है, तो इस केस में क्या पूरी फैमिली भी गलत हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। इसके लिए मेडिकल में एक टर्म होती है मास साइकोलॉजिकल इलनेस। ये हमें एक बुरारी केस फैमिली इंडिया में देखा गया था, ये बहुत मशहूर केस है, दिल्ली में पेश आया था, जिसमें पूरी फैमिली के 11 लोगों ने एक साथ सुसाइड कमिट की थी। इसी तरह एक केस ऑस्ट्रेलिया की फैमिली के साथ भी पेश आया था। ये 5 लोग थे फैमिली में जो कि रोड ट्रिप के लिए निकले थे और रास्ते में इन्हें पैरानोया हो जाता है कि कोई इन्हें मारने निकला है और ये पूरी फैमिली जो है एक एक करके एक दूसरे से अलग होती है और फिर गायब हो जाती है। काफी अरसे बाद ये लोग मिल भी जाते हैं। फिर जब इनका चेकअप किया जाता है तो डॉक्टर्स बताते हैं कि इस पूरी फैमिली को एक शेयर्ड डिल्यूजनल डिसऑर्डर हुआ था, यानी कि पूरी फैमिली को एक वहम हो गया था कि उनके पीछे कोई निकल पड़ा है जो उन्हें मारना चाहता है। तो इसे हम मास साइकोलॉजिक इलनेस या शेयर्ड डिल्यूजनल डिसऑर्डर भी कहते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो कि साइंटिफिक और टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स लिए भूतों को ढूंढने निकल पड़ते हैं। इसके लिए वो लोग EMF मोशन सेंसर्स या इंफ्रारेड का इस्तेमाल करते हैं। EMF एक डिवाइस होती है जो कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी या किसी भी एनर्जी को रिसीव कर लेती है। ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि एक मोबाइल, टीवी, रेडियो, यहाँ तक के कंप्यूटर के माउस के सिग्नल से भी ट्रिगर हो जाती है और लोग ये शो करते हैं कि देखो यहाँ पे हमें भूत दिखा है। इसी तरह मोशन सेंसर्स का भी है कि कहीं किनारे से कोई चूहा भी अगर गुजर गया तो मोशन सेंसर एक्टिवेट हो जाता है और लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पे तो भूत है। और ये सब साइंटिफिक और टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके जो बकवास सुनाई जाती है और इससे टीवी पे इतने मजे से दिखाया जाता है कि जैसे सच में यहाँ पर कोई भूत है। इसी तरह एक्सप्रेस न्यूज पे भी एक ड्रामा आता है वो क्या है के नाम से, जिसमें एंकर सज्जाद सलीम अपनी टीम के साथ भूत को ढूंढने निकल पड़ते हैं। उनको कहीं ना कहीं कोई लींबू दिख जाते हैं या कभी कहीं कमजोरी हो जाती है, लेकिन आज तक उनको कभी कोई भूत नहीं मिला। इस चीज को एक्सपोज करने के लिए किसी ने हाल ही में कुछ कैमरा से पिक्स खींच के उनकी अपलोड कर दी थी। वो ये शो करते थे कि जैसे 2 से 3 लोग से जो उस फील्ड साइट पे मौजूद हैं, लेकिन इस पिक को देख के ऐसा लगता है कि कोई भारी भरकम टीम किसी शूटिंग के लिए जा रही। लेकिन इसमें किया क्या जाए, क्योंकि टीवी पर भूत दिखाने से TRP मिलती है, बॉक्स ऑफिस पर पैसा मिलता है और आजकल तो कुछ यूट्यूबर्स भूत और प्रेत की कहानियां भी यूट्यूब पे सुनाने लगे हैं, जैसे कि मैंने इस वीडियो में भी एक अच्छी कहानी सुनाई थी, आप चाहें तो जाके सुन सकते हैं। एक्चुअली ये सब करने में कोई बुराई नहीं है अगर ये सिर्फ एंटरटेनमेंट की हद तक है तो। मुझे भी खुद हॉरर मूवीज देखना और स्टोरी सुनना बहुत पसंद है, एक थ्रिल मिलता है, बहुत मजा आता है। इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि किस तरह आपकी बॉडी जो है हॉरर चीजों पे रिएक्ट करती है, ये चाहें तो आप ये भी जाके देख सकते हैं। लेकिन अगर कोई किसी भी फिल्म में, वीडियो में या फिर यूट्यूब पे ये शो करता है कि भाई इस जगह पे तो सच में भूत है ही है, तो ये सब बकवास है। लोगों के जज्बात के साथ खेलना, लोगों को झूठा भरोसा दिलाना, ऐसी सुपरस्टिशियस चीजों को प्रमोट करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं। अच्छा, अब उस चीज का क्या जो मैंने इस वीडियो के शुरू में बताया था कि नजरे बद का एक एक्टर था जिसको एक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती थी उसके साथ और उसे ऐसी फीलिंग आती थी कि उसके साथ कुछ सेट पे हो रहा है।
दरअसल इस चीज का जवाब भी इसी के अंदर था कि जब उसने अपने एक्टर्स और डायरेक्टर्स से जाके ये मशवरा किया कि भाई मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है, तो एक्टर्स और डायरेक्टर्स और उसके जो प्राइवेट डॉक्टर्स थे उन्होंने यही जिसको जवाब दिया कि जो भी तुम रोल अभी कर रहे हो तुमने पहले कभी ऐसा कोई रोल नहीं किया है, तो ये सिर्फ तुम्हारे माइंड का एक वहम है, तुम्हारा एक डिल्यूजन है जो तुम्हें ऐसा फील करवा रहा है कि जैसे तुम्हारे साथ कुछ हो रहा है। और फिर जैसे ही वो ड्रामा खत्म होता है उसके बाद वो एंकर स्पीक्स आउट हो जाता है और उसके साथ कभी ऐसा कुछ नहीं होता। सो दोस्तों, इट्स ऑल अबाउट द माइंड गेम। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी डॉक्टर समर के साथ। अल्लाह हाफिज़।